ओम श्री साई नाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। श्री साईनाथाय नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अभी जो घटना, एक अजीब लीला हम सुनने जा रहे हैं, वो साई परिवार में, साई भक्तों में सबसे परिचित एक व्यक्तिमत्व तो है, ज्योतिन्द्र रामचंद्र तरखड़, जो बाबा साहब तरखड़ थे उनका लड़का, इंजीनियर था, टेक्सटाइल इंजीनियर था ये। सीता देवी तरखड़, ज्योतिन्द्र तरखड़ एंड रामचंद्र तरखड़, ये पति पत्नी और पुत्र तीनों भी, मतलब रामचंद्र आत्माराम तरखड़, सीता देवी रामचंद्र तरखड़, ये पत्नी पति पत्नी और ज्योतिन्द्र तरखड़, ये तीनों भी एक ही घर के तीन सदस्य, बाबा के निस्सीम भक्तों में इनकी गिनती होती है। सवेरे का सत्र खत्म हो गया एक दिन द्वारका माई का, और बाबा बैठे थे ऐसे। अब दोपहर का जो सत्र होता है उसमें कोई जाता आता नहीं था, 4 बजे फिर से सत्र चालू होता है, वो बता दें। अब उसमें हुआ ये, बाबा ने ज्योतिन्द्र को बोला, भाऊ भाऊ बोलते थे बाबा उसको, क्योंकि माँ, उनकी माँ को आए बोलते थे, माँ बोलते थे, माँ का दर्जा हासिल किया हुआ था जो सीता देवी ने, क्या भक्ति होगी उनकी। तो ज्योतिन्द्र तरखड़ जो थे, तो ज्योतिन्द्र तरखड़ को बाबा ने बोला, छोटे बच्चे थे, इतनी कोई ये नहीं थी, उम्र नहीं थी, तो बोले, भाऊ तू एक काम कर, मेरे पास दोपहर को 3 बजे इधर आना, और मेरे पैर दबाते बैठना, इधर हिलना नहीं, मेरे पैर छोड़ना नहीं। 3 बजे बराबर वो आया, पैर दबाते रहा, तो मस्जिद माई की, ये द्वारका माई की जो दीवार है, वो दीवार में ये बड़ी सी से रौद्र रूप धारण की हुई, बड़ा फुंकार लगने वाली एक औरत, जिवा उसकी बाहर गिरी हुई है, वो कालिका माता जैसी, यहाँ बड़ा सिंदूर लगाया हुआ है, सब बाल छूटे हुए, और वहां ऐसा बैठी है, और उसने कुदी मारी इधर द्वारका माई की सीढ़ियों पर, जो 3 सीढ़ियां है वो कुदी मारी, और वो बच्चे का हाथ पकड़ा उसने, लेने, मैं इसको लेने जाने वाली हूँ, लेके लेने के लिए आई हूँ। बाबा बोले, मैं दूंगा नहीं, नहीं जाना। अरे बच्चा हक्का बक्का रह गई, क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बाबा बोले, भाऊ मेरा स्पर्श छोड़ना नहीं, हाथ छोड़ना नहीं, एक पकड़, वो एक हाथ उन्होंने पकड़ के रखा, एक हाथ वो पकड़ के खींच रही है, नाए नाए मुझे यही बच्चा चाहिए। बोले, नहीं दूंगा तुझे, लेकर ही जाऊंगी। बोले, कैसे लेके जाती देखता हूँ, संवाद हो रहा है। वो नहीं मान रही थी, खींच रही थी ज्यादा, बाबा जगह से उठे, ऐसी लात मारी उसको एक, जैसी लात मारी वो ऐसी चिल्लाई बहुत, और वो जो आत्मा थी, जो भी थी, मतलब इन्हें जो दृश्य स्वरूप धारण किया था, वो मरी आई थी। बोले, लेके जाने वाली वो कॉलरा, क्या बोलते, मलेरिया वगैरह, ये जो बीमारी आती है ना, एपिडेमिक डिसीजेस, ये संसर्ग रोग बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से जो लेके जाने वाले थे, उनके तो बैक्टीरिया होते हैं, ये है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है, कौन सी आत्माएं की रूह वहाँ खींचनी होती है, कौन सी आत्माएं को लेके जानी होती है, ये प्रकृति तय कर लेती है। तो भाग गई वो, चिल्ला के एकदम ऐसी चीख मारी उसने और भाग गई, और बाबा ने हाथ पकड़े था, रखा ही था ज्योतिन्द्र तरखड़ जी का, तो वो जरा थोड़ा सा सहमा सहमा सा रह गया, डर डर गया लड़का। बोले, बाबा कौन थी वो? तो अरे बोले, वो आवा थी, यानी चुड़ैल थी, वो तुझे मांगने आई थी, तेरा आत्मा लेके तुझे खाने वाली थी आज वो।
तो लेकिन मैं हूं ना, मैं तुझे कैसे देने दूंगा, यहाँ बैठ। अभी वो गई है, शांत बैठ, के बाद मैं जब बोलूंगा तब तब इधर जाना। पिशाच योनि, या ये जो कनिष्ठ देवता होते हैं जो देह बलि या वगैरह कुछ मांगते हैं, उनसे भी बाबा कैसे छुटकारा देते थे, कैसे वहां से मुक्ति देते थे अपने भक्तों को, वो जताने वाली एक कथा है। अगर ऐरा गैरा कोई बोलता तो बात अलग थी कि भाई उसने कुछ कहा है, ऐसा कभी होता है क्या, क्या होता है। लेकिन तरखड़ साहब के फैमिली में जो उच्च कोटि का भक्त, जिसको बाबा ने अपने भाई का दर्जा दिया था, बहाल किया था, उसने कहा है हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, वो दीवार पर बैठी थी, मैंने देखा और बड़ी ऐसी डरावनी लगती थी, ऐसा विकराल स्वरूप उसने धारण किया था और काल जैसे सी हा करती थी, वो इसकी जीवा नीचे तक ऐसी लटक रही थी और उसमें से पानी टपक रहा था, मैंने खुद देखा है, वर्णन किया है। स्वानुभव तरखड़ांचे करके बुक है, हिंदी मराठी में इंग्लिश में भी आया है, उसमें ये कहानी बयां की हुई है, आप जरूर देखना, जरूर पढ़ना, वो वर्थ रीडिंग बुक जो है उसमें से एक है। बाबा भूतात्मा प्रेतात्मा जो भी बोलते हैं उसमें, उससे भी हमें छुटकारा दिलाते हैं, ये जताने वाली ये कथा है। ओम साईरा। अवघारंगैकझाला रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।